सो हे गाइस, वेलकम टू द गोल्डन टॉक्स। अब से 3-4 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी आप लोगों के सामने i10 की, जब हमने डिलीवरी की थी। साइड कार खड़ी है, तो गाड़ी की डिलीवरी लेने के बाद में अभी 5-6 दिन हो चुके हैं और आज हम इस गाड़ी की फ्लोरिंग कराने आए हैं। उस टाइम पे नहीं कराई थी। और फ्लोरिंग क्यों कराने आए हैं, क्योंकि फ्लोरिंग बहुत ज़रूरी होती है गाड़ी में। कचरा गिर जाता है, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो गाड़ी के नीचे बॉडी में चली जाती है, उससे क्या थोड़ी सी बदबू आती है, गाड़ी में थोड़ा सा अनहाइजीनिक माहौल हो जाता है, तो फ्लोरिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरे साथ क्या होता है, एक बार मैं शादी में गया था, वहाँ से रसगुल्ले लेके आया था, तो वहाँ पे उन्होंने जो है एक डब्बे में दी थी जिसमें चाशनी भी थी, तो गाड़ी में पता नहीं क्या हुआ, एकदम से वो चाशनी गिर गई, पूरी गाड़ी में जो है चाशनी हो गई, चिपचिपापन, बड़ी बुरी हालत हो गई थी। तो उस गाड़ी में ऐसे नहीं होनी चाहिए। जिनकी गाड़ी है वो अभी फ्लोरिंग कराने आए मेरे साथ में। सीट निकाल के रखी है सारी, जो है सीट अलग रखी जाती है, सीट निकल के इसी तरीके से पूरा फ्लोरिंग होगी गाड़ी में। और इसके बाद में गाड़ी में कोई भी कचरा नहीं जाएगा, मतलब जो बेस होता है गाड़ी के उस वहाँ तक कोई कचरा नहीं जाएगा। आप क्लीनिंग कराओगे कहीं तो इजीली क्लीनिंग हो जाएगी। इस साइड हमारी गाड़ी खड़ी है, देखिए फ्लोरिंग हो रही है, दूसरी सीट भी भैया ने निकाल दी है। तो ये देखो बिना सीट्स के गाड़ी कैसी लगती है, दिखा देता हूँ आपको। ये ऐसी है बिना सीट्स की गाड़ी। पीछे की सीट तो नहीं हटेगी भैया, यहीं तक होती है फ्लोरिंग, तो पीछे की भी हट रही है। मतलब सीट हटने के बाद में तो ऐसा लग रहा है गाड़ी में कुछ है ही नहीं, पूरी खाली बस डब्बा लिया है, कोई मतलब नहीं है सीट्स के बिना। तो थोड़ा ज़रूरी है यार, देखिए कुछ इस तरीके का है बिना सीट्स के, पूरी खाली। अब अभी ये वाली भी हट जाएगी, जो ये वाली सीट्स है अभी ये भी हट जाएगी। तो अभी 2-3 चीज़ों की और ज़रूरत है, ये तो अपना काम कर ही रहे हैं। इसके अलावा इसमें नीचे फोग लैंप भी नहीं है, जैसे कि पता है बेस मॉडल है तो अपने फोग लैंप इसमें नहीं आते हैं। और यार एक चीज़ और सोच रहा हूँ कि मैं इसमें डोर गार्ड लगवा लूँ, क्योंकि यहाँ पे डोर गार्ड लग जाता है थोड़ा सा बेटर होता है। बेटर क्यों होता है, क्योंकि कई बार हम गेट खोलते हैं या पार्किंग के पास में गाड़ी खड़ी रहती है, तो कई बार मुझसे खुद हो चुका है कि टच हो जाती है, स्क्रैच आ जाता है। तो वो ज़्यादा महंगे नहीं लगते मेरे हिसाब से, 150-200 रुपये के लगते होंगे। जब लगेंगे उसका प्राइस भी मैं आपको बता दूंगा। बंसल कार डेकोर के सामने खड़े हैं अभी हम गोपालपुरा जयपुर में, यहीं से फ्लोरिंग करा रहे हैं। इससे पहले भी 3-4 गाड़ियों की फ्लोरिंग कराई थी हमने, अर्टिगा की कराई थी, वैगनार की कराई थी, स्विफ्ट की कराई थी, वो भी यहीं से कराई थी। तो काफ़ी कम प्राइस में ये कर देते हैं, इनमें फिलहाल 1400 में हमारी जो है फ्लोरिंग ये कर रहे हैं यहाँ पे। और पहले भी कराई, काफ़ी अच्छी जो है कंडीशन थी उसकी, तो इस वजह से दोबारा भैया के पास क्या है, ये वाली सीट भी रिमूव हो रही है, बोर्ड स्पेस खोल रहे हैं, तो सारी चीज़ें हटेगी। उसके बाद में ये कवर्स रखते हैं, अब होंडाई के शोरूम पे जाएंगे, कवर्स भी चढ़वाएंगे। तो भैया ये सारी चीज़ें खुलती है इसमें, इसकी वारंटी वगैरह ओड नहीं होती है क्या? ना ना, जैसे हम मतलब कोई एम्बियंट लाइट लग जाती है अपने गाड़ियों में, तो उसमें वारंटी अवॉइड नहीं होती है, डोर्स वगैरह में लगती है। चलो मतलब ये भी एक अच्छी चीज़ है, अगर आपको लाइटिंग वगैरह कुछ भी करानी है, वारंटी जो है अवॉइड नहीं होगी, वारंटी का कोई भी इशू नहीं होगा। ये देखिए एसी बैंड्स के नीचे कुछ इस तरीके से ये इसको फिट कर रहे हैं, फिर नट बोल्ट के साथ में इसको यहाँ पे कस देंगे। तो ये है भाई फ्लोरिंग मटेरियल, ये हो रही है फ्लोरिंग। क्या मटेरियल है भैया ये? क्या पीयू? तो बस सीट लग रही है आगे वाली, पीछे वाली सीट लग चुकी है, बस सीट एडजस्ट करनी है इन्होंने, बाकी पूरा हटा के पूरा अच्छे से एडजस्ट किया है। ये जो है पावर सॉकेट है और बाकी सीट के नट बोल्ट बचे हैं, बाकी सारा काम हो चुका है। अब बम्पर लगवाना है, मोस्ट प्रोबेबली बम्पर लगवाएंगे, हम नहीं लगवाएंगे, बम्पर भी लगवाने वाले हैं पीछे, उसके बारे में बात करेंगे अभी। आगे पीछे वाला तो ये आर्म रेस्ट है भैया, तो ये एडजस्टेबल नहीं आएगा, ये हर गाड़ी में लग जाएगा या मतलब? अच्छा, तो क्या प्राइस है इसका? 2000 रुपए का ये वाला, ये 1000 का, और ये वाला ये 1500 का। ये तो यार ज्यादा सही नहीं लगेगा शायद इससे कोई, ये सैंपल पीस भाई, क्वालिटी तो अपने पास और ऊपर की मिल जाएगी। अच्छा, ये इसके अंदर ये ट्रे भी पीछे वाले के लिए आ जाए, बॉटल एंड का फोल्डर हो जाता है पीछे के लिए, तो चलो बढ़िया है। तो इसको तो हम बाद में लगवा लेंगे। परफ्यूम देख रहे हैं हम यहाँ पे, काफी सारे परफ्यूम है भैया के पास, तो ये तो नहीं लगवाना है एक ये वाला जो बहुत कॉमन देखते हैं अपन, ये कितने का है भैया? माइक मैन 350 और ये 250। तो सबसे अच्छा कौन सा प्रीफर करते हो आप? ये सबसे अच्छा है। तो ये कितने दिन चल जाएगा भैया? एक बार 45 to 60 days चल जाएगा। तो ठीक है, ये देख लेते हैं कोई सा फाइनल कर लेते हैं। ये भी काफी बढ़िया लग रहा है, कौन सा है? ये एयरप्रो का है, डैशबोर्ड पे लगेगा, स्टिक होएगा। डैशबोर्ड का है ये होगा, डैशबोर्ड पे स्टिक होएगा ये। अच्छा जी, ये डैशबोर्ड के हैं, ये एसी वेंट पे लगेगा, एसी वेंट पे लगेगा, और ये आगे डैशबोर्ड पे लगेगा। चलिए, तो भाई साहब यहाँ पे बम्पर लगाने की तैयारी हो रही है, भैया हमारे लगे हुए हैं काम पे। नीचे से कितना, 2-4 नट बोल्ट खुलेंगे भैया इसके, और कितनी देर का काम है? 2-4 मिनट का ही होगा। चलो, तो भैया को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, कुछ धूल वूल गिर ना जाए, मैं बम्पर दिखा देता हूँ आप। तो भाई जो बम्पर है, बम्पर लगा चुके हैं, ये है बम्पर, i10 नियोस लिखा हुआ है यहाँ पे। ये कितने इंच का है भैया? 2.5 इंच का बम्पर है ये,
और थोड़ा सा गाड़ी अच्छी भी लगेगी और थोड़ी सी सेफ भी रहेगी। बेसिकली अभी जितने भी काम हम करा रहे हैं वो इसी वजह से करा रहे हैं, थोड़ी सी सेफ्टी रहे गाड़ी की कहीं स्क्रैच वगैरह से। तो बस बम्पर हो गया, एक दो चीज़ें और करानी है वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये और लगवा रहे हैं साथ में भैया, क्या बोलते हैं इसको, साइड बीडिंग डोर बीडिंग। गाड़ी का लुक भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा और साइड से थोड़ा सा सेफ भी रहता है, क्योंकि जो सबसे आउटर पार्ट होता है गाड़ी का वो ये नीचे वाला पार्ट होता है। इसमें दो तरीके की साइड बीडिंग आती है, एक पतली वाली आती है, एक मोटे वाली आती है, तो हमें यही वाली लगवानी है। तो बस सिंपली ये चिपक जाती है, इसमें ज़्यादा कोई ऐसा काम नहीं है। तो भाई यहाँ से सारी चीज़ें हो चुकी है, 5-6 काम कराए हैं और प्राइस भी किसी चीज़ का इतना ज़्यादा नहीं लगा है, प्राइस भी काफ़ी मिनिमम लिया है लोगों ने। तो अब बस सीट कवर बचे हैं, सीट कवर चढ़वाने जा रहे हैं होंडाई के शोरूम, क्योंकि बाहर से चढ़ाते हैं तो वो 300-400 रुपए लेते हैं एक्स्ट्रा सीट कवर चढ़वाने के। सीट कवर लगवाने के बाद में फाइनली मैं लास्ट में आपको सारी चीज़ें दिखा दूंगा, क्या क्या कराया है, क्या क्या लगवाया है एक्स्ट्रा, और उसका प्राइस भी बता दूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं होंडाई के शोरूम और मास्क लगा लेता हूँ, पुलिस पकड़ लेगी। तो सारी जो भी छोटी मोटी चीज़ें थी वो हो चुकी है, जो सीट्स कवर थे वो अब तक नहीं चढ़े हैं क्योंकि हमें दूसरे कलर के कवर पसंद आए, तो उनके आने में अभी 2-3 दिन का टाइम लगेगा, तो वो बाद में चढ़वाएंगे। फोग लैंप भी जो है अभी नहीं लगवाए हैं, फोग लैंप में भी थोड़ा 3-4 दिन के बाद में एक दो चीज़ें और कराएंगे तब लगवाएंगे। बेसिकली अभी जो है इसमें फ्लोरिंग कराई है, मैटिंग कराई है, जो मैंने आपको दिखाई दी है वीडियो में, ये मैटिंग हो रखी है। जो दूसरी चीज़ है गाड़ी में वो मैं दिखाता हूँ आपको, एक ये लिया है एयर प्यूरीफायर, ये एक्वा का कोई ये शायद मैं नाम भूल गया, 250 रुपीज़ का है ये। इसके अलावा एक तीसरी ये चीज़ ली है, ये वैसे तो ओरिजिनल वगैरह बहुत महंगे आ रहे थे बट ये काफ़ी सस्ता पड़ गया है, ये पड़ा अपने को 350 रुपये का। और फ्लोरिंग की बात करें, फ्लोरिंग पड़ी है 1300 में, थोड़ा सा बार्गेनिंग करी उसके बाद में हमें जो है फ्लोरिंग थोड़े सही प्राइस में मिल गई। और जो चौथी चीज़ कराई है वो दिखाता हूँ मैं आपको, ये उसके बाद में ये बम्पर कराया है, ये बम्पर आप देख सकते हैं, इसका प्राइस जो है 1400 रुपये के करीब में बम्पर अपने को पड़ गया है। इसके अलावा हमने ये करवाए हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, थोड़ा सेफ्टी के हिसाब से भी होती है, और जो लुक देखिए आप थोड़ा साइड से वाइड एंगल में लुक देखोगे तो थोड़ी सी अच्छी लग रही है गाड़ी। पहले क्या था, बेस मॉडल था, तो बेस मॉडल बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगता है। इसमें हालांकि अभी अपन एक दो चीज़ें और करा देंगे तो और अच्छी लगेगी, जो कि आगे कराएंगे, इसकी वीडियो भी मैं आपको लेके आऊँगा। इसका जो प्राइस है वो है 600 रुपये, और इसके अलावा ये साइड के डोर गार्ड भी लगवाए हैं, तो उसका जो प्राइस है वो पड़ा है 400 रुपये। तो सारी चीज़ों के प्राइस मैं आपको बता चुका हूँ बेसिकली। तो बेसिकली अभी ये 5-6 चीज़ें कराई है, इसके अलावा और भी 2-3 चीज़ें कराएंगे, उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के सामने जल्द से जल्द कोशिश करूंगा लेके आने की। और अगर आपको इस गाड़ी के रिव्यू चाहिए तो बता देना आप मुझे, मैं इस गाड़ी के रिव्यू लेके आ जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ पहले इसको 700-800-1000 किलोमीटर चला लूँ, उसके बाद में रिव्यू लेके आऊँ। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, प्राइजेस वगैरह सब मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं, एड्रेस जो होगा शॉप का वो मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो इस वीडियो को यार, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अपने चैनल को, साथ साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी इस तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। तो मिलते हैं इसी तरीके की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।